हम तो क्या कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब हम बजट पे भाषण देंगे तो जितनी भी क्रिटिक्स है हमारी तरफ से, कि हम उनको बताना चाहिए जनता को और पार्लियामेंट को और मंत्री को, ताकि मंत्री जवाब दे दे। जैसे कल मैंने पूछा कि आप स्वास्थ्य के बारे में क्या किए और क्या नहीं किए, एजुकेशन के बारे, शिक्षा के बारे में, क्योंकि ये दोनों मिनिस्ट्रीज के बजट कम हो चुके हैं। और क्यों, ये तो बजट की बात है, राजनीति की बात नहीं है। ठीक है, राजनीति भी किए हम, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि दो राज्यों को बहुत फेवरेट ट्रीटमेंट दे चुके हैं सरकार ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये दो उनके जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं कि ये लोग जरा संतुष्ट रहें ताकि सरकार आगे बढ़े। ठीक है, ये तो राजनीति ऐसे ही होते हैं हमारे देश में, लेकिन इसको दिखाना और उसके बारे में बोलना तो हमारे भी फर्ज है। लेकिन इसमें राय बढ़ रही है सर, आप कहते हैं बिहार को दे दिया और बिहार के जो आरजेडी के सांसद है वो कहते हैं कुछ नहीं दिया, तो फिर आखिरकार इंडिया अलायंस है कहाँ पे? देखिए, मैं आपको कहूंगा कि बिहार को जितने मिले हैं, अगर मेरे राज्य मिले तो हम बहुत खुश होंगे, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक उदाहरण ले लीजिए कि बिहार के हाईवेज के लिए 26,000 करोड़, यार छोटी सी मामूली सी बात हो रही है। ये अच्छी बात है बिहारियों के लिए, मैं खुश हूँ उनके लिए, लेकिन ये भी जानना चाहिए कि जो बिहार खुश होंगे, लेकिन दूसरे आप कर्नाटक को देखिए, कांग्रेस सरकार ने मांगा था कि बेंगलोर के जो हाईवेज है और टनल्स जो है, रोड टनल्स जो है, उनके लिए वे पैसे चाहते थे, कुछ नहीं मिला। तो आप देखिए कि जब एक राज्य को 26,000 मिल रहा है करोड़ और दूसरे में कुछ नहीं मिल रहे, तो लोग को पूछने के लिए तो हक है ना। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा, बजट में दूसरे बहुत बहुत महत्वपूर्ण ओमिशंस हैं। आपको मालूम है कि मनरेगा का नाम जिक्र भी नहीं किया, और ऐसे बहुत बहुत सारे विषय हैं। मैं तो करीब 20-25 विषय को उठा के मेरे 22 मिनट में मेरे भाषण में बोला। तो अगर मंत्री सोचते हैं कि ये सिर्फ राजनीति है, तब तो वो सुना नहीं है मेरा भाषण।